गाइस ये है हमारे तवा भटूरे। हेलो, कैसे हो सब लोग। आज हम आए हैं लाजपत नगर की मार्केट में और आज हमें थोड़ा सा सामान लेना था और मार्केट में हम पहुँच चुके हैं। गाड़ी हमने पार्किंग लगा दी है। अब क्या नाम है उसका, हम मार्केट की तरफ को चलते हैं और हमें थोड़ी सी भूख लगी हुई है। मेरे कुछ दोस्त हैं, दो गरीब आदमी, इन्हें दोनों को साथ में लेकर जाता हूँ और इन्हें आज ऐसी जगह खाना खिलाऊँगा तो ये भी ये कहेंगे कि कहाँ खाना खिलाया था, क्योंकि हर बार मैं इन्हें कभी बिहार में, कभी ट्रक में, कभी कार में खिलाता हूँ। आज इन्हें कोई नई जगह खाना खिलाता हूँ। ऐसी कौन सी जगह लेके जा रहे हो, हमें दो मिनट या 10 मिनट तो हो ही गए होंगे चलते हुए। 4 मिनट हुए तो 2 घंटे हो गए तुम्हारे चल रहे हैं। जब पहुंचोगे वहाँ जब देखना क्या। ऐसी कौन सी जगह है जो बता ही नहीं रहे हो। आगे ताजमहल है, ताजमहल लेबर चौक। उन्होंने सड़क पे बिठा के खिलाना होता है तो सड़क पे आज सड़क पे खाए। सड़क पे पता नहीं गाइस आज तो हम क्या ही खाने वाले हैं और कहाँ जाके खाने वाले हैं। पुलाव लेबर चौक पे पुलाव बट रहे हो, खाने जा रहे हो। देखो जैसे कि अभी हम पहुंचे हैं मेट्रो स्टेशन पे और मैं सोच रहा हूं कि मैं इन्हें कुछ मेट्रो स्टेशन पे ही मेट्रो स्टेशन है तो मैं इन्हें फुटपाथ पे खिलाने के मूड में हूं। 24x7 उधर है पर मेरा इच्छा ये हो रही है कि मैं इन्हें एक मैं तुम्हें अभी एक ऐसी चीज़ दिखाता हूँ गाइस, जहाँ मैं आज अपने दोनों भाइयों को खाना खिलाने वाला हूँ। मतलब छोटी फुटपाथ वाली सड़क है, गरीब आदमी है और ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक जादू। आज का व्यू हमारा ये होगा और आज हम खाना इसमें खाने वाले हैं और खाना इसमें ही से कहा था कि आज हम फुटपाथ पर खाना खाएंगे तो हमारा फुटपाथ की देखो ये है। मैं इन लोगों को आज एक छोटा सा हमें घूमना थोड़ी था, आप तो बस में ले आए हो। मैं नहीं, चलो आज तुम्हें बस में भी कुछ जादू दिखाता हूँ। जादू ये है फूड बस ऑफ इंडिया, ये फूड बस ऑफ इंडिया, ये देखो ऊपर। आज आ गए हम इंग्लैंड वाली बस में, ये इंग्लैंड की बस है, यहाँ डबल बस चलती है। हम इंग्लैंड पहुँचे बिल्कुल अभी 5 मिनट पहले ही, सुबह फ्लाइट से चले थे। मतलब मैं अपनी गाड़ी से चला था पर मैं फ्लाइट था। और गाइस ये देखो ये प्राइवेट जैक है अपना और अभी हम ऊपर चलते हैं, ऊपर भी दिखाते हैं कि ऊपर क्या जादू है। और ये हमारा मीनर देखो कितना लग रहा है चढ़ते समय और हम पहुँच चुके हैं। जैसे कि ही हम पहुँचे तुरंत ही ये हमारी डबल बस है और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यू देख सकते हो। और गाइस यहाँ बैठ के व्यू देख सकते हो और ये डबल बस है और हम इंग्लैंड में नहीं है, हम क्या नाम उसका दिल्ली में है। दिल्ली में एक जगह है और हम वहाँ आए हैं और ये दोनों तरफ हर चीज़ का सिस्टम बहुत अच्छे से है, आप कहीं भी बैठ के कुछ भी खा सकते हो। और अब हम इसका यहाँ का खाना ट्राई करते हैं कि यहाँ क्या अच्छा मिल रहा है। एक बर्गर, एक कोल्ड ड्रिंक और एक कोल्ड कॉफ़ी तुरंत ऊपर मिल जाएगी। आए लोग यहाँ चक मारने आए तुरंत और बाकी किसी के लिए कुछ नहीं, बस अकेले के लिए, बाकी सब कुछ नहीं खाएंगे आज। बोलो ऐसे तुम्हारा मतलब एक स्पेशल होता ना कि आइटम सबसे बेस्ट है। तुम्हारे व्हाइट सॉस पास्ता के साथ गार्लिक ब्रेड भी है। मान लिया कुछ लाया है जैसे हमारे पेट पूजा का इंतजाम कुछ करके लाया मेरा भाई। छोले भटूरे आ गया आपका, छोले भटूरे, छोले में डुम्बम मार के बाहर निकल गया। ओ फो पाव भाजी भी आ गई इस टाइम। और क्या रह गया, पास्ता रह गया। तुमने नाश्ता कर लिया? मुझे लग रहा गाइस ये है हमारे तवा भटूरे और ये हमारी है वो क्या बोलते हैं, पाव भाजी, पाव भाजी बोलते हैं पाव। गाइस ये आ गए हमारे जैसे कि छोले भटूरे और ये पराठा, मतलब छोले तवा भटूरा है, ये तवा भटूरा है, मतलब तवे पे पहले भटूरा बनाया फिर तवे पे सेक खिलाए। और ये आ गई हमारी पाव भाजी जैसे कि इसमें देसी घी अलग से टपक रहा ऊपर से टपन का टपक टक मामला हो रहा। गाइस अब हम खा लें यार, क्या मसला ही खराब कर।
पानी आ रहा है। चलो ट्राई करते हैं। चटका रहे हो पानी देना। नॉर्मल है ना। और पावा जी? पावा जी भी बढ़िया। पावा जी भाजी है पाव। आप ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें छोले भटूरे का टेस्ट आ रहा है। आप पावा जी का ही रहा। ओह माय गॉड, दिस फिल गया कुछ। आपका सैंडविच ऐसा। एक बात तो था भाई, छोले भटूरे तो ला रहा है कल को लाइयो। अच्छा सर बता दे लेने आया भाई। भाई ला रहा है रायता बना। रायता में बूंदी नहीं है, बूंदी में रायता है। देखो रायता। कितने एक्सप्रेशन। इसका उपाय और टेस्ट करने का ये लेमन ना भी योगा बढ़िया। देखो व्हाइट सॉस पास्ता। हाँ देख रहा अभी देखेंगे, अभी बताएगा तू। अच्छा है। ट्राई करो। अच्छा है भाई। पहले जो दोनों आइटम आए वो दिखावा था, अब आप कुछ करा। अब ये जो दो आइटम आए चेक करेंगे। मतलब चाइनीज अच्छा है बस का, ऐसे कह सकते हैं ना। अच्छा चाइनीज और इटालियन बेटर है। इंडियन बेकार है। कारीगर चेंज कर अपने इंडिया को, दिल्ली से मंगाओ। तो गाइस हम लोग खा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। गाइस हम नहीं खाएंगे, हम मिल लेंगे तुमसे। लो गाइस आओ। तो जैसे ही वो लगाया ना सिस्टम का मामला। गाइस जैसे कि मैं टोस्ट की तरफ चलने की तो कोशिश कर रहा हूँ, पनीर की फिलिंग होगी अंदर। 50 रुपए या 50 पैसे। इसमें हल्की सी मिर्ची महसूस हुई, कुछ पता लगा कि कुछ पता लगा खा रहे हैं। समझ में ना आया। ये क्या था? ये था वो। क्या वो? जैसे कि हमने खाना खा लिया, पर देखो बुरा मत मानना, छोले भटूरे में बिल्कुल मजा नहीं आया ना पाव भाजी में। पास्ता तुम्हारे सैंडविच एक नंबर है। अब क्या दिखाओ, अब तो खा लिया हमने। क्योंकि जो ना टेस्ट नहीं तो बेस्ट नहीं। नहीं चाइनीज अच्छा था, इंडियन में थोड़ा काम करने की जरूरत। हार्ट टाइट है आपका। हार्ट टाइट है, सीधा करो। हार्ट टाइट है इसलिए मसाला ढंग से पड़ा नहीं। ओ कितना हो गया भैया बिल? 1096 हो गया। 1096 पहले लाइव ना। मतलब इसके साथ प्लेट भी दिए, मैंने लकड़ी के घर ले जानी है। और एक तो मजा आ रहा है, बस पिज्जा हो जाके फ्रेंड भी ले तो पांच बार बस डिस्पोजल ही होते हैं खाना दे देते हैं। तीन हजार रुपीज, मतलब 1100 रुपए हुए ना। वाओ तुमने बता दिया, इन्हें नहीं पता था। पता था, मैंने अपने आप को कंफर्म किया है। ओ गाइस सॉरी हमने छोड़ दिया, पर लेकिन अब चल ही नहीं रहा था। अच्छा। चल ही नहीं रहा। गाइस कोई भी आए एक बार रायता जरूर ट्राई करना है यहां पे। रायता एक नंबर है। गार्लिक ब्रेड में गार्लिक मिले ना मिले, लेकिन रायते में गार्लिक जरूर मिल जाएगी। कौन? हाँ मुझे पता था। यू तो फेवरेट है, पैसे पैसे बात के।
तो जी गाइस देख सकते हो हम यहाँ बैठे और हमारी कॉलेज की जो है क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है जो कि हम नहीं ले रहे। ठंडे में किस चूते की क्लास चालू हो गई। जो डिस्टेंस से करता है उसे सैटरडे संडे क्लास होती है। गाइस जो घर वालों को चूतिया बनाता है उसके सैटरडे संडे क्लास होती है। सैटरडे संडे सब ऑफ रहता है और जिसको पढ़ना होता है वो प्लीज पढ़ सकता है। क्या लिखा है पढ़ के बताओ, तुम भी तो कॉलेज में पढ़ो। ये पढ़ो तुम्हारी सबको सुना। गाइस देख लो कितना अच्छा पढ़ा जा रहा है। वाली बात ये लिखा हुआ है घर वालों के पैसों में आग देते हुए रैपर हरीफी। सही है वाला भी है। हमारा बिल आ गया है। चले चलो चलो राहुल जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ये हमारे भाई हैं अहमद, इनका चैनल है बीवा व्लॉग। आप भी सुनो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, सब्सिडी करो। तो गाइस अब हम चल दिए हैं। तो गाइस हम लोग आ गए हैं बाहर। तो आप क्या कहना चाहोगे? तो जी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस अच्छा है, कोई भी पहली बार आएगा तो दूसरी बार आएगा तो बेस्ट जाएगा। पहली बार में मजा आएगा, दूसरी बार में हल्का सा आएगा। हाँ मजा आएगा। प्रॉपर फूड के लिए आ रहे हो तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगी। वो वाला सिस्टम है ना जो ऐड आता, मम्मी कहती है, बच्चा कहता है मम्मी टेस्ट कहाँ है। तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल टेस्ट नहीं है। और बाकी कहीं होगा तो देख के बताते हैं। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।